हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार इंटरडे स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स में हम कल इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम सोमवार की बात करते हैं, यानी 15 मई की अगर बात की जाए, तो 15 मई के दिन यानी सोमवार के दिन इन चार स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिल सकते हैं। अगर इंटरडे ट्रेडिंग करोगे तो शानदार प्रॉफिट इन स्टॉक में मिलने के चांस होंगे आपके पास। तो देखिए, कल के लिए हमारा पहला इंटरडे स्टॉक होंगे कैनोफिन होम्स। अगर हम कैनोफिन होम्स शेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। मतलब ऊपर की तरफ दिखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखने को मिले, और नीचे की तरफ दिखा जाए तो एक प्रॉपर सपोर्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब कि देखिए, अगर कल स्टॉक नीचे की तरफ फिसल जाता है और इस सपोर्ट ब्रेक करता है, सपोर्ट ब्रेक करे तो शानदार सेलिंग यहाँ पर हमें दरअसल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, स्टॉक को हम सेल करेंगे। 640 के नीचे स्टॉक को सेल करना है, टारगेट होंगे 637 रुपया, दूसरे का 635 रुपया, और 640 का लेवल पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे राइज करे, ऊपर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट मिले, तो आप बाई की तरफ भी जा सकते हो। 651 के ऊपर बाई करना है, टारगेट 655 रुपया, दूसरे का 656 रुपया, और 647 का लेवल पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। और सोमवार के लिए हमारा तीसरा इंटरडे स्टॉक होंगे ग्राफाइट इंडस्ट्रीज इंडिया। ग्राफाइट इंडिया शेयर पे अगर दिखा जाए, मैं तीसरा दिन ये यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर राइजिंग उसका पैटर्न मिला है। नीचे सेंटर लेने के बाद स्टॉक इन दोनों रेंज के बीच में ही इस तरफ से मूव कर रहे हैं। इसका यहाँ पर भी सेलिंग साइड में ज़्यादातर चांस होंगे हमें मतलब ब्रेकआउट मिल के। तो अगर स्टॉक ऐसे गिर जाता है, नीचे के सपोर्ट ब्रेक करता है, तो हम सेल करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखने को मिले, दरअसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब पिछले 6-7 दिनों से लगातार यहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, हम स्टॉक को सेल करेंगे। 329 के नीचे सेल करना है, टारगेट 327 रुपया, दूसरे का 326 रुपया, और 331 का लेवल पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे राइज कर जाए, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करे, तो हम बाई की तरफ जा सकते हैं। रेजिस्टेंस भी एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, जिन पर भी ऑलरेडी 4 बार रेजिस्टेंस ले रखा है शेयर्स ने। इसका ब्रेकआउट मिले तो बाई की तरफ जा सकते हो। 338 के ऊपर बाई करना है, टारगेट 340 रुपया, दूसरे का 341 रुपया, और 337 का लेवल पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। सो ग्राफाइट को मैं लगातार तीसरे दिन के लिए दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला, लेकिन कल ब्रेकआउट मिलने की पूरा चांस है। सो मंडे के लिए हमारा तीसरा एंट्री स्टॉक होंगे इंडिया मार्ट। इस शेयर को भी मैं पिछले वीडियो में दिया था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला। तो देखिए, यहाँ पर भी सेम पैटर्न, मतलब हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। ऊपर की तरफ एक प्रॉपर रेजिस्टेंस, मतलब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, नीचे इस तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मीट कर रहा है। इसका मतलब कि देखिए, सेलिंग साइड यहाँ पर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर लेवल ब्रेक करे इस सपोर्ट, तो बहुत ही शानदार गिरावट देखने को मिल जाएगा। तो सेल करके आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जैसे कल इसका ब्रेकआउट मिलेगा, हम सेल की तरफ जा सकते हैं। 5855 के नीचे सेल करना है, टारगेट 5815, दूसरा गेट 5810 एंड 5895 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। यू गई सेलिंग साइड के लिए। लेकिन अगर स्टॉक राइज करे, ऊपर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करिए, थोड़ा सा रिस्की होंगे दोस्तों। बाई जो यहाँ पर ट्रेड है, यह बहुत ज़्यादा रिस्की होंगे। मतलब अगर राइज करे तो बाई की तरफ फिलहाल जा सकते हो, लेकिन रिस्की होंगे। तो देखिए, ब्रेकआउट मिले तो बाई कीजिएगा जरूर। 5980 के ऊपर बाई करना है, टारगेट 5020 रुपया, दूसरा गेट 6023 रुपया, और 5940 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और एक और स्टॉक जिनमें कल ब्रेकआउट दे सकते हो, वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा शेयर पे भी दिखा दे तो सेम पैटर्न, मतलब आप कह सकते हो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पर भी मिल रहा है। नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मीट कर रहा है। ऊपर की तरफ दिखा जाए तो आप एक रेजिस्टेंस भी देख रहा होगा यहाँ पर, जो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। मतलब स्टॉक इन दोनों रेंज को इसी तरफ से मूव कर रहे हैं, मतलब रेंज बाउंस कर रहे हैं। मतलब सपोर्ट ब्रेक करे तो शानदार गिरावट मिल जाएगा। तो आप सेल करके इसमें मजे ले सकते हो। तो जैसे नीचे के साइड का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आप स्टॉक को सेल कीजिएगा। 1645 के नीचे सेल करना है, टारगेट 1637 रुपया, दूसरे का 1635 रुपया, और 1652 का लेवल पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर बाई का भी एक लेवल आ सकता है, लेकिन बाई का लेवल थोड़ा सा रिस्की होंगे यहाँ पर भी दिखा जाए। लेकिन गैप अप ओपनिंग हो तो ये बाई की तरफ जाइएगा। अदरवाइज दोस्तों, एक रिस्क ट्रेड होंगे जो 1653 के ऊपर बाई का लेवल बना सकती हो पर। तो चलिए अब हमें देख लेते हैं कि पिछला वीडियो में जो स्टॉक दिया था वो कैसे परफॉर्म किया है। तो देखिए, पिछले वीडियो में पहला स्टॉक मैंने आपको यहाँ पर दिया था रामको सीमेंट। और रामको सीमेंट शेयर पे अगर दिखा दे तो सिर्फ स्टॉक्स में बाई का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो बाई के लिए ज़्यादा दिया था। लेकिन मैं आपको कहा था कि ब्रेकआउट ना मिले तो यहाँ पर सेलिंग मिल जाएगा। 675 के नीचे चले जाए तो आप सेल भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए, पहले तो ये जो कैंडल फॉर्म किया, ये बहुत ही बड़ा कैंडल, तभी पता लगा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, जब तो ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं कि हम सेल ऑन राइस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, उसके बाद स्टॉक राइस कर जाता है और फॉल करता है। राइस कब तक करता है? तो देखिए, उस लेवल तक करता है जिस लेवल में आपको सेल के लिए दिया था, मतलब 775 तक ये राइस कर जाता है। उसके बाद फिर ये फॉल करता है। मतलब अगर आपने सेलिंग एंट्री लिया होगा तो अच्छी प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि जब ये कैंडल फॉर्म किया था तभी आपको पता लगा था ये आप ब्रेकआउट आज नहीं मिलने वाला आज।
और दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर को देखिए तो यहाँ पर हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न मिला था, लेकिन स्टॉक्स ने गैप डाउन दे दिया था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्टॉक राइज कर जाता है। देखिए यहाँ पर तो कोई भी किसी भी तरह का एंट्री पॉइंट नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक छोटा एंट्री ले लिया था, मैं खुद ले लिया था, लेकिन शायद आप नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये जो कैंडल फॉर्म गया था तभी मुझे लग रहा था कि फॉल करेगा, बड़ा कैंडल है। उसके बाद क्या कहता, मैं सेल ऑन राइस का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, तो थोड़ा सा राइस किया था, उसके बाद ही मैं यहाँ पर एंट्री ले लिया था। उसके बाद एक अच्छी प्रॉफिट मुझे मिल चुका है, फिलहाल 800 रुपये का प्रॉफिट मैं यहाँ पर कमा चुकी हूँ इस वीडियो में।